आज से हम आरंभ करते हैं अपनी शक्ति पीठों की यात्रा, जिनमें से आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री चामुंडा शक्ति पीठ के, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह अपने आप में बहुत ही रहस्यमय तांत्रिक शक्ति पीठ है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखेगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित यह शक्तिपीठ, अगर आप कांगड़ा जिले से जाएंगे तो कांगड़ा शहर से आपको ये लगभग 23 किलोमीटर पड़ेगा। वहीं अगर आप धर्मशाला शहर से जाएंगे तो आपको ये 15 किलोमीटर रहेगा और पालमपुर शहर से जाएंगे तो 19 किलोमीटर का इसका मार्ग है। ये देखिए, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर का वो मुख्य द्वार था, अब यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर लोगों ने पूजा पाठ की सामग्री बेच रखी है। बहुत सारे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं भगवान की, प्रसाद हैं, मालाएँ हैं, बहुत सारे सामान यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों, 51 शक्ति पीठों में इस चामुंडा शक्ति पीठ को भी गिना जाता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि 51 शक्ति पीठों में भी आता है, लेकिन ऐसी भ्रांति और मतभेद भी है। लेकिन 108 शक्ति पीठों में इसकी संख्या अवश्य रूप से गिनी जाती है। देवी सती के 51 शक्ति पीठ भी बताए जाते हैं और 108 उप शक्ति पीठ बताए जाते हैं। हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख सकते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा आंगन है मंदिर का। इसे श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पर भी देवी का शक्तिपीठ होता है वहाँ पर एक भैरव अवश्य होते हैं। यहाँ के भैरव श्री नंदीकेश्वर बाबा हैं, इसलिए इस धाम का नाम श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी है। यहाँ पर मंदिर पर मंदिर की जानकारी और उनके मंत्र इत्यादि लिखे हुए हैं। मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं, देखिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर प्रांगण है मंदिर का, बहुत ही एकांत और शांत स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर एक देखिए मंदिर के जो गुंबद है उसका मॉडल भी है, आर्टिफिशियल मॉडल बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए हम आगे चलते हैं माता के दर्शन के लिए। ये सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं यहीं पर हमारी माता रानी स्थित है। तो चलिए अब हम आगे चल के दर्शन करते हैं। यहाँ पर सब जगह लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना मना है, कैमरा अंदर ले जाना मना है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि आप सभी को माता के दर्शन करा सके। मंदिर का जो गर्भगृह है यहाँ पर अंदर ले जाने की जो सख्त मनाही की गई है, इसलिए हमने ऊपर से ही वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप सभी दर्शन कीजिए, देखिए कितना सुंदर मंदिर का गर्भगृह है, सभी भक्तगण माता के दर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे फोटो दिखा देते हैं आपको माता की, आप सभी दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि अंदर ढंग से वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाया था। इसके बाद हम मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर का बाहर का द्वार है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा है और भी बहुत सारी देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है। सामने राम जी की प्रतिमा है, देखिए ऊपर हिमालय पर्वत दिख रहे हैं, ये सभी हिमालय की घाटियाँ, यहाँ पर धौलाधार पर्वत की श्रेणी है। बाहर माता के सिंह बने हुए हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं जो बाबा भैरव का स्थान है, नंदीकेश्वर बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर नीचे सीढ़ियों से चलकर अब हम नीचे जाएंगे। दोस्तों, माना जाता है कि देवी सती के यहाँ पर चरण गिरे थे, इसलिए यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। लेकिन देवी सती के चरण तो विमला शक्तिपीठ उड़ीसा में भी हैं और देवी सती के चरण चिंतपूर्णी माता के मंदिर में भी बताए जाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब देवी सती के शरीर के खंड खंड हुए थे तो कोई भी पूरे हिस्से पूरे तरीके से बराबर बराबर खंड नहीं हुए थे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब किसी चीज़ में विस्फोट होता है तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। देवी सती के चरण के कुछ भाग इस स्थान पर भी गिरा था, इसलिए यहाँ पर भी शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। ये हालांकि जो मुख्य महाशक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, उनमें नहीं आता, लेकिन जो 108 उप शक्तिपीठ है उसमें चामुंडा शक्तिपीठ को गिना जाता है। आप चाहे तो विकिपीडिया पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पर इसे 51 शक्तिपीठों में भी बताया गया है। दोस्तों, यहां पर देखिए अब आप महादेव के दर्शन कर लीजिए, नंदीकेश्वर बाबा हैं। ये मंदिर का शमशान घाट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली एक तांत्रिक शक्तिपीठ है। यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक तंत्र साधन इत्यादि करते हैं और जहाँ पर ऐसी क्रियाएं होती हैं वहाँ पर शमशान घाट तो होता ही है। वैसे भी देवी सती का ये बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी को बलि इत्यादि पर चढ़ाई जाती थी पहले, अब यहाँ पर तांत्रिक इत्यादि रहते हैं और शमशान घाट है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सरोवर है मंदिर का। सरोवर के बीचों बीच में महादेव शिव की प्रतिमा स्थित है। इसका जल बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ से देखने में। ये देखिए, उधर देखिए हिमालय पर्वत दिख रहे हैं, धौलाधार की श्रेणी है वो। यहाँ पर देखिए चामुंडा माता है सामने, काली माता और दुर्गा माता की प्रतिमा भी बनाई गई है।
बहुत ही शांतिप्रद स्थान है। यहाँ पर इतनी अधिक भीड़ नहीं होती है श्रद्धालुओं की, विशेष रूप से बस नवरात्रों में ही यहाँ पर भीड़ रहती है। वैसे आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, मंदिर यहाँ पर खुला ही रहता है। बहुत ही शांत स्थान है, यहाँ पर कोई भी पूजा साधना इत्यादि करना चाहते हैं तो यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। जो भी पर्यटक दूर दूर से आते हैं वो बाहर रुक भी सकते हैं, यहाँ कई होटल्स भी हैं, धर्मशालाएँ भी हैं, आप उनमें ठहर भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी नदी है, नहर कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये जो पानी है इसमें ये ऊपर ग्लेशियर्स में से जो बर्फ़ का पानी पिघल कर आता है उससे बनी हुई है। यहाँ पर ही लोग जो शमशान घाट के क्रियाक्रम इत्यादि होते हैं उसके बाद अस्थि विसर्जन इत्यादि कर देते हैं। बहुत ही पवित्र जल माना जाता है इसका, एकदम साफ और स्वच्छ जल है। दोस्तों माना जाता है कि जो माता की प्रतिमा के हमने दर्शन करे वो वास्तविक प्रतिमा नहीं है, उसे सभी की दृष्टि से छुपाकर गुप्त रखा जाता है, वो केवल भक्तों को दर्शन देने के लिए थी। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ के राजा और पुजारी ने माता से प्रार्थना की थी कि मंदिर की मूर्ति का स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि इसका मुख्य मंदिर जो बताया जाता है वो आदि हिमानी चामुंडा है, जो कि बहुत ही ऊपर पहाड़ियों पर स्थित है। आप वहाँ के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ से ट्रैकिंग का रास्ता है वहाँ तक जाने का, लेकिन वो बहुत ही दुर्गम मार्ग है, वहाँ तक जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। ये देखिए जल यहाँ पर कितना स्वच्छ है, आदि हिमानी चामुंडा में इसका मुख्य स्थान स्थित है। लेकिन राजा और पुजारी की प्रार्थना से माता ने मंदिर की मूर्ति का स्थानांतरण यहाँ पर कर दिया था, ताकि सभी को सुविधा हो माता के दर्शन करने में। यहाँ पर देखिए तांत्रिक लोग भी निवास करते हैं। सबसे पहले हम आपको शमशान घाट दिखाएंगे, इधर की साइड शमशान घाट है। हमने ज़्यादा आगे तक जा करके वीडियो शूट नहीं किए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है शमशान घाट में वीडियो बनाना। आप देख सकते हैं चिता जल रही है। माना जाता है कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि यहाँ पर चिता ना जलती हो, हमेशा यहाँ पर किसी न किसी की चिता जलती ही रहती है। इधर प्रसाद इत्यादि बट रहा है। यहाँ पर देखिए तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे, मैंने इनकी भी ध्यान से वीडियो नहीं बनाई है, वो बड़े ध्यान से घूर के देख रहे थे। यहाँ पर काली माता की प्रतिमा है। ये स्थान देखने में बहुत भयानक भी लगता है, बहुत डरावना भी लगता है, कुछ लोग डर भी सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत ही मनोरम स्थान है। जो लोग तंत्र इत्यादि में रुचि रखते हैं, जो रहस्य इत्यादि जानने में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत ही आकर्षक स्थान है। मुझे तो ये स्थान बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांतिप्रद लगता है। यहाँ पर ऊपर भी कुछ मंदिर हैं, अब हम वहाँ पर आ गए हैं दर्शन कराने के लिए आपको। दोस्तों माना जाता है कि यहाँ के जो राजा थे उनके राज्य पर असुरों ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद राजा ने माता से रक्षा की प्रार्थना की। माता ने एक शर्त रखी कि तुम रोज अपने राज्य में से एक प्राणी की बलि मुझे दिया करोगे। तो राजा शर्त के अनुसार अपने राज्य में से एक मनुष्य को माता के पास बलि के लिए भेज देता था। एक दिन एक ब्राह्मण के परिवार की बारी थी, उसके पुत्र की बलि जानी थी। ब्राह्मण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, उसने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव माता से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। महादेव ने उसके पुत्र को मार्ग में ही अपने पास बिठा लिया और उसे आगे नहीं जाने दिया, जिससे कुपित होकर माता ने ऊपर की पहाड़ी से यानी कि इसी मंदिर से नीचे की ओर दो चट्टानें फेंकी। वो चट्टाने महादेव ने अपनी शक्ति से रोक दी। उसके बाद माता में और महादेव में युद्ध हुआ। फिर महादेव ने देवी से आग्रह किया कि हे देवी, आप जीवित प्राणियों की अपेक्षा मृत प्राणियों की बलि लिया करें, जिससे देवी मान गई। तभी से यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई चिता अवश्य आती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि यहाँ कोई चिता ना आए। देखिए एक मूर्ति यहाँ पर भी है, दिखने में कितनी भयानक मूर्ति है, शायद ही काली माता की मूर्ति है। ये खंडित हो चुकी है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में मुंड भी है। भैरव बाबा की मूर्ति भी हो सकती है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। यहाँ पर भी एक मंदिर है, ये काली माता का मंदिर है। जैसे कि तांत्रिक शक्तिपीठ है और तंत्र शक्ति की अधिष्ठात्री माँ चामुंडा या माँ काली का है, तो आप यहाँ पर उनके प्रतिमा बहुत सारी देखेंगे। यहाँ पर मंदिर के ऊपर मंदिर की कथा लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके भी उसे पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पर फोटो दे दिया है। ये मंदिर भी चामुंडा मंदिर से थोड़ी सी ऊंचाई पर ही स्थित है। यहाँ बाहर लोगों द्वारा कुछ शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। हमने जो अभी आपको कथा सुनाई बली वाली, वही कथा इस पर लिखी हुई है, हमने संक्षेप में बताई है, आप डिटेल में इस वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अब हम वापस से नीचे आ गए हैं मंदिर की ओर, यहाँ पर सरोवर देख रहे हैं, बीचों बीच में महादेव शिव का प्रतिमा स्थापित है, और ये पीछे यहाँ पर माँ चामुंडा यानी कि माँ कालिका और माँ दुर्गा की प्रतिमा बनी हुई है। ये बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है कि इस स्थान पर जहाँ पर चंड मुंड का वध किया था माता ने, उसी स्थान को चामुंडा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। आपने दुर्गा सप्तशती और देवी की कथाओं में भी पढ़ा होगा चंड मुंड का इतिहास। देखिए मंदिर के बाहर का दृश्य ऐसे हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम आपको चट्टान दिखाएंगे जो माता ने ऊपर से फेंकी थी और महादेव शिव ने रोक दी थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संस्कृत का कॉलेज भी है, पुस्तकालय भी है जहाँ पर धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, वहीं पर ये चट्टान स्थित है। इस चट्टान के ऊपर ही इन लोगों ने बिल्डिंग बना दी है। इसके चारों तरफ परिक्रमा भी की जाती है, हम आपको परिक्रमा करके दिखा देते हैं। दोस्तों अगर आपको माता के दर्शन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक के बिना मत जाइएगा, अभी जल्दी से लाइक कीजिए। ये कॉलेज की दीवारें हैं, यहाँ पर 2:30 बजे तक, दोपहर के लगभग 12 बजे से 2:30 बजे तक लंगर भी होता है, यानी कि माता का भंडारा होता है। आप चाहे तो समय से आकर के यहाँ पर माता के प्रसाद भी ले सकते हैं।
बहुत ही बड़ी चट्टान है, एक चट्टान और है यहाँ पर। अब इसका दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दुकानें हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्री ले सकते हैं, माता की प्रतिमा इत्यादि खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भक्तों की यात्रा जा रही है, जो भी जिन लोगों की यहाँ पर मन्नत पूरी हो जाती है वो दोबारा से माता के दरबार में आते हैं। शायद ही वही भक्त इनकी कोई मन्नत पूरी हुई होगी। यहाँ की बहुत ही मान्यता है, यहाँ जो मांगा जाता है माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं, इसलिए पूरे भक्तों की टोली भजन कीर्तन करते हुए माता के पास जा रही है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पीतल की प्रतिमाएं मिल रही हैं दुर्गा माता की यहाँ पर। आशा है आप सभी को आनंद आया होगा माता के दर्शन करके। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अब मिलेंगे अगले शक्तिपीठ की वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमसे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।